इंसान के जीवन का सबसे कीमती वक्त होता है उसका बचपन, जिसे ना तो कोई भुला सकता है और ना ही लाख कोशिश कर उसे वापस पा सकता है। बचपन के कुछ हिस्से को हम आज के बच्चों के साथ जी तो सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें हम बस याद ही कर सकते हैं, और उन्हीं यादों का सबसे खुशनुमा हिस्सा है दूरदर्शन। आज के दौर के वो लोग जो 30 साल के आसपास के या उससे ऊपर की उम्र के हैं, उनकी यादों से दूरदर्शन को निकाल पाना शायद नामुमकिन ही होगा, क्योंकि दूरदर्शन महज एक एंटरटेनमेंट का जरिया भर नहीं था बल्कि हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका था। न सिर्फ इस पर प्रसारित होने वाले सीरियल और फिल्में बल्कि कैसी भी सूचना हो, सब कुछ बड़े गौर से देखा जाता था, चाहे वह समाचार हो, गुमशुदा व्यक्तियों की सूचना हो या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उस दौर के बच्चे तो हर प्रोग्राम को बड़े चाव से देखा करते थे। प्रोग्राम समझ में ना भी आए तो भी बच्चे अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते थे, जो उन्हें हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग से पहले आने वाले विज्ञापनों के रूप में मिल ही जाता था। सबसे दिलचस्प बात की यह पता होने के बावजूद कि विज्ञापनों कितने मिनट बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा, तब भी लोग 10-15 मिनट पहले से ही टीवी खोलकर सामने बैठ जाते थे और विज्ञापनों का भी भरपूर मजा लेते थे। आज भी जब दूरदर्शन के दिनों की बात होती है तो न सिर्फ उस दौर के धारावाहिक व समाचार बल्कि विज्ञापनों को भी उसी शिद्दत से याद किया जाता है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले ऐसे ढेरों यादगार विज्ञापन हैं जिन्हें लोग आज भी यूट्यूब पर बार बार देखते हैं और बचपन की यादों को ताजा करते हैं। हम समय समय पर आपके लिए दूरदर्शन पर प्रसारित यादगार धारावाहिकों पर वीडियो लाते ही रहते हैं, जिसे आप सब खूब पसंद भी करते हैं। इसी कड़ी में हम आज के वीडियो के जरिए कुछ ऐसे विज्ञापनों और उनसे जुड़ी बातों को आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको बीते दिनों में लेकर जाने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवान। आया नया उजाला, चार बूंदों वाला, सनड्रॉप सुपर रिफाइन, सनफ्लावर ऑयल, द हेल्दी ऑयल फॉर हेल्दी पीपल। सिर्फ एक सैराडोन और सर दर्द से आराम, कोमल चेहरा प्यार से बोले। हमारा दावा है कि इन लाइनों को सुनकर व इनकी क्लिपिंग्स को देखकर आपको भी अपने बचपन की याद जरूर आ गई होगी। विज्ञापनों के संवाद हों या उनके गीत, जिन्हें जिंगल्स भी कहा जाता है, कभी लोगों की जुबान पर हुआ करते थे और लोग उनको किसी फिल्मी गाने की तरह गुनगुनाया करते थे। न सिर्फ विज्ञापनों की क्रिएटिविटी पर खास ध्यान दिया जाता था बल्कि उन्हें कुछ ऐसा बनाया जाता था कि लोग उसे बार बार देखना पसंद करें। हालांकि तब चैनल बदलने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, इसलिए जो सामने आए उसे देखना ही होता था। बावजूद इसके मेकर्स विज्ञापनों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। लज्जत पापड़ के विज्ञापन का वहस्ता हुआ कार्टून जैसा कैरेक्टर हो, या दुखद हादसे में खत्म हुई रसना की प्यारी सी बच्ची, या फिर नरमा वॉशिंग पाउडर का गाना, भला कौन भूल सकता है। अखबारों, पत्रिकाओं व रेडियो के बाद जब दूरदर्शन पर चलती फिरती तस्वीरों के सहारे कंपनियों को विज्ञापन दिखाने का एक नया जरिया मिला, तो दूरदर्शन पर विज्ञापनों की होड़ सी लग गई थी। बताया जाता है कि तब रामायण और महाभारत जैसे शोज के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापनों के लिए 50,000 रुपए से ऊपर तक का चार्ज देना होता था, जो आगे चलकर 10,00,000 रुपए तक पहुंच गया था, जो शायद और भी ज्यादा हो चुका होगा। इस बात से तो शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो जगह हम सबके दिलों में उस दौर के विज्ञापनों ने बनाई थी, उसे आज के करोड़ों के विज्ञापन छू भी नहीं पाते हैं। शुरुआत में नए चेहरों को लेकर बनाए जाने वाले विज्ञापनों में आगे चलकर बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल होते चले गए। इससे विज्ञापनों की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग प्रोग्राम के साथ साथ उन विज्ञापनों का भी बेताबी से इंतजार किया करते थे। ऐसे विज्ञापनों में पान पराग के विज्ञापन को सबसे ऊपर गिना जाता है। इसका गीत पान पराग पान मसाला तो हर कोई गुनगुनाता ही, साथ ही इसके विज्ञापन को भी आज तक कोई बोल नहीं सका है। दिग्गज एक्टर शमी कपूर और अशोक कुमार जैसे चेहरों के नजर आते ही ऐसा लगता था जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। उस पर से ये कहना कि बारात ठीक 8 बजे पहुंच जाएगी, पर हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए, या सुनकर लड़की के पिता बने अशोक कुमार जी के साथ साथ इस विज्ञापन को पहली बार देखने वाले दर्शक भी टेंशन में आ जाते थे कि शायद दहेज की बात होगी। लेकिन उसके बाद ये सुनते ही दिल खुश हो जाता था जब शमी कहते थे कि घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से करिए। उसके आगे अशोक कुमार जी का बोला गया ये संवाद
तो उनके साथ साथ दर्शक भी दोहराया करते थे, ओह पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं, ये लीजिए पान पराग। ओह पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं, ये लीजिए पान पराग। एवरेस्ट विज्ञापन नाम की विज्ञापन एजेंसी द्वारा साल 1982 के आसपास बना यह विज्ञापन उस दौर का सबसे लोकप्रिय टीवी विज्ञापन था, क्योंकि तब विज्ञापनों में फिल्म एक्टर्स कम ही नजर आते थे। सबसे खास बात थी कि इस विज्ञापन में दहेज के विरोध जैसा सामाजिक संदेश भी छुपा था, जो दर्शकों को एक सुकून का एहसास भी कराता था। 80 के दशक में बना यह विज्ञापन लंबे समय तक छाया रहा। भारत में स्टार वैल्यू के जरिए ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का एक नया रास्ता भी इसी विज्ञापन ने दिखाया था, जो आज तक जारी है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। बेशक अब बजाज कंपनी ने स्कूटर बनाना बंद कर दिया है, लेकिन लोग ना तो इसके विज्ञापन को आज तक भूल सके हैं, ना ही इसके जिंगल को। इसके बोल तो आज तक लोगों की जुबान पर है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। लोग आज भी इसके विज्ञापन को यूट्यूब पर देखते हैं और साथ साथ गुनगुनाते हैं। बजाज स्कूटर्स का यह विज्ञापन दूरदर्शन के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन विज्ञापनों में से एक है। साल 1989 में आए बजाज के पहले विज्ञापन में आए गानों के बोलों के साथ साथ इसका फिल्मांकन भी बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था, जिसे देखकर देशभक्ति का जज्बा भी जागता था और देश की तरक्की को जिस तरह से दिखाया जाता था उसे देखकर गर्व भी महसूस होता था। इस वीडियो का डायरेक्शन इतना तगड़ा था कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर या लाइन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस कड़ी में दूरदर्शन पर प्रसारित अगला मशहूर विज्ञापन है निरमा वॉशिंग पाउडर। इसे लंबे विज्ञापन के रूप में भी याद किया जाता है, जिसे बार बार देखने के बावजूद बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती थी, बल्कि इसके लंबे जिंगल के एक एक शब्द सबको जुबानी याद हो गए थे। और इसका म्यूजिक स्टार्ट होते ही सभी साथ साथ गाने लगते थे। इसका जिंगल हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा बहुत लोकप्रिय हुआ था। वीडियो में महिलाओं के नाम के जरिए हर गृहिणी की पसंद को एक बताया गया था और इस वजह से इस डिटर्जेंट ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ी थी और मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता भी मिली थी। पूर्णिमा विज्ञापन द्वारा 80 के दशक में बना निर्मा का विज्ञापन एक यादगार टीवी विज्ञापन बना, जिसके आधार पर ही उसके नए विज्ञापन आगे भी बनाए गए। हालांकि इस दौर में निर्मा के अलावा अन्य डिटर्जेंट कंपनियों के विज्ञापन भी काफी शोर हुए थे, जिनमें रिम की चमकार से लेकर घड़ी के पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे तक दर्जनों विज्ञापन शामिल हैं। ओनिडा का टीवी विज्ञापन तो आपको याद ही होगा। विज्ञापन में उंगलियों को नचाता, लंबे नाखून और गंजे सिर पर सींगों के साथ नजर आने वाला शैतान डरावना होते हुए भी मजेदार सा दिखता था। विज्ञापन की पंच लाइन, मालिक की शान, पड़ोसी की जलन सुनकर लोगों को खूब हंसी भी आती थी। पड़ोसियों की जलन, आपकी शान। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीविजन के मामले में ओनिडा उस दौर का सबसे बड़ा ब्रांड था और इसे खरीदना एक शान की बात ही समझी जाती थी। इस विज्ञापन की शुरुआत से काफी लंबे वक्त तक शैतान के किरदार में 80 के दशक के मशहूर मॉडल कोऑर्डिनेटर डेविड विटब्रेड नजर आए थे। साल 1985 से 1999 तक शैतान के रूप में छाए रहे विटब्रेड अब 60 साल के ऊपर के हो चुके हैं। फिलहाल वो कन्नूर में फ्रीलांस स्टाइलिस्ट और मॉडल कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 20 साल बाद भी मेरा परिचय ओनिडा मॉडल के रूप में ही कराया जाता है। विटब्रेड जब मुंबई में बतौर मॉडल कोऑर्डिनेटर काम कर रहे थे, उस दौरान उनके आर्ट डायरेक्टर गोपी कुकडे ने उनको टेलीविजन पर शैतान बनने का ऑफर दिया। हालांकि विटब्रेड ने उन्हें मना करते हुए एक मॉडल खोजने की सलाह दी थी। दरअसल वो कैमरे के सामने रहना पसंद नहीं करते थे। खैर कुछ महीनों बाद विटब्रेड मान गए, लेकिन जब शूट शुरू हुआ तो उन्हें लगा कि शैतान को भला कौन सा ग्राहक पसंद करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना तो सुंदर लड़के लड़कियों का काम है। बहरहाल शैतान बनने के अवज में उन्हें उस वक्त 7,000 रुपए की पेमेंट दी गई, जो तब के लिए अच्छा खासा अमाउंट था। शूट के करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने खुद को एक शैतान के रूप में एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में देखा तो काफी खुश हुए। विटब्रेड ने उन दिनों को याद करते हुए बताया था कि मुझे लगा कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। इस बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन किसी प्रेस ने मुझे खोज लिया था। मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए कहा जाने लगा, लोग रेस्तरां में मेरी तरफ इशारा करने लगे। शर्मिला होने के कारण मैंने उन पलों का बहुत आनंद नहीं लिया, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। बाद में शैतान के इस किरदार में एक्टर राजेश खेड़ा नजर आए थे। हालांकि ढेरों कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धीरे धीरे ओनिडा की लोकप्रियता तो कम हुई, साथ ही साथ इसके विज्ञापन का भी असर खत्म होने लगा। लाइबर सॉप का विज्ञापन भी दूरदर्शन के सबसे पुराने विज्ञापनों में से एक है। लोवे लेटांस विज्ञापन एजेंसी द्वारा बनाए गए इसके विज्ञापन का सबसे बड़ा आकर्षण था इसका फेमस जिंगल। इसकी लाइन, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइबॉय। लाइबॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ। ये खूब मशहूर हुई और लोग आज भी इसे पसंद करते हैं। यह जिंगल टेलीविजन के साथ साथ रेडियो पर भी खूब बचा करता था और गांवों से लेकर शहरों तक सबका पसंदीदा था। सपन ब्रांड्स की बात जब चल ही निकली है तो उस दौर के सबसे बोल्ड विज्ञापन की चर्चा किए बिना यह वीडियो अधूरा ही रह जाएगा। आपको लरल साबुन तो याद ही होगा, जिसे करने के बाद एक्ट्रेस प्रीति जिंटा लरल गर्ल के रूप में फेमस हो गई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे इस ब्रांड को पहचान दिलाने वाली पहली मॉडल करेन लुनेल के बारे में। एलिस पद्मसी द्वारा बनाए इस विज्ञापन में लरल गर्ल करेन
लुनेल हरे रंग का स्विम सूट पहने झरने के नीचे नहाती हंसती नाचती दिखाई पड़ी थी। हालांकि इस दौर के हिसाब से देखा जाए तो काफी बोल्ड था, लेकिन इसके वीडियो को कुछ इस तरह से फिल्माया गया था कि इसमें जरा भी भद्दगी नहीं दिखती थी, बल्कि उसे देखकर एक ताजगी का एहसास होता था। इस विज्ञापन से मशहूर हुई 20 वर्षीय मॉडल करेन साल 1975 से 1983 तक बतौर मॉडल विज्ञापनों में सक्रिय रही और भारतीय दर्शकों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। बाद में लुनेल एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में काम करने लगी और फिलहाल अब वो न्यूजीलैंड में बतौर स्कूल टीचर काम कर रही हैं। एक इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए लुनेल ने कहा था कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले थे, उस प्रोडक्ट का चेहरा बनने का मैंने हमेशा आनंद उठाया। वह विज्ञापन अपने समय से काफी आगे का था। लिटिल गर्ल ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया कि निश्चित रूप से चैलेंजिंग काम था। बेवक्त उठना, जमा देने वाली ठंड में गीले स्विम सूट में कोडाइक नाल और खंडाला में शूटिंग करना और बीच बीच में कंबल में खुद को लपेटना हमें से बेस्ट बनाने के लिए डिटरमाइंड थे। जब तक यह चला मैंने बहुत एंजॉय किया। बतौर लिटिल गर्ल मशहूर हुई करेन की लोकप्रियता के कई सालों बाद एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी लिटिल गर्ल बनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। लिटिल ही नहीं, फिल्मी एक्ट्रेसेस को लेकर के बनाए जाने वाले सोप्स के मशहूर विज्ञापनों के साथ साथ एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया का क्राउनिंग ग्लोरी सोप का एड भी खूब फेमस हुआ था। फिल्मी चेहरों के विज्ञापनों में आने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो एक के बाद एक ढेरों चेहरे नजर आते ही रहे। धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ साथ उस दौर के मशहूर कॉमेडियन भी कई विज्ञापन करते दिखाई देते थे। उसी दौर में मशहूर कॉमेडियन पेंटल का भी एक विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ था जो बेहद फनी होने की वजह से सभी का पसंदीदा बन गया था। ईसी बल्ब के उस विज्ञापन में पेंटल जब घर से निकलते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें याद दिलाती हैं, भूल न जाना ईसी बल्ब लाना। क्योंकि पेंटल भूल न जाए इसलिए रास्ते में उन्हें जो भी मिलता अपनी भाषा में यही लाइन दोहराता कि भूल न जाना ईसी बल्ब लाना। लेकिन मजा तो तब आता है जब वो दुकान पर पहुंचते हैं और सब भूल जाते हैं और उनके मुंह से बस इतना ही निकलता है, बाबा बल्ब। इस विज्ञापन की सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें कई भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था और विज्ञापन के जिंगल को उसके किरदारों के जरिए हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली में दोहराया जाता था। पेंटल के ईसीई बल्ब के इस मशहूर विज्ञापन के साथ साथ उस दौर के मशहूर कॉमेडियन असरानी जी का भी एक विज्ञापन खूब याद किया जाता है। सबसे खास बात की वह भी लाइट्स का ही विज्ञापन था और वह कंपनी थी लक्ष्मण सिल्वेनिया। इस विज्ञापन में असरानी अपने चिर परिचित अंदाज में कहते हैं, अरे भाई राम लक्ष्मण बल्ब देना। बाद में दुकानदार द्वारा सही नाम और खासियत बताए जाने पर असरानी का खुश होकर नाचते हुए कहना कि सारे घर के बदल डालूंगा सुनकर लोगों को बहुत मजा आता था। सबसे बड़ी बात की संडे टू संडे आने वाले फिल्मों के उस दौर में अपने पसंदीदा एक्टर्स को विज्ञापनों के जरिए देखना भी एक सुखद एहसास कराने का काम करता था। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स के बीच दूरदर्शन पर कुछ ऐसे विज्ञापन भी आए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए बनाए गए थे। हालांकि उन्हें भी इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया था कि वो भी सबके पसंदीदा बन गए थे। आपको राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडल की ओर से आने वाला दूध का विज्ञापन तो याद ही होगा। इस विज्ञापन का जिंगल करीब एक मिनट का पूरा एक गाना था जो तब बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था और इसका असर ऐसा होता था कि तब दूध न पीने वाले बच्चे भी दूध पीने लगते थे। साल 1990 में एफसीबी उल्का द्वारा बनाए इस विज्ञापन के वीडियो को इतना रोचक बनाया गया था कि जो भी इसे देखता वो पूरा देखकर ही हटता। न सिर्फ दूध का यह विज्ञापन बल्कि द नेशन एग कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी NECC का अंडे का विज्ञापन जिसकी पंचलाइन थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मशहूर रेसलर और एक्टर दारा सिंह जी द्वारा बोली गई 90 के दशक में पॉपुलर हुई यह लाइन सबको इतनी पसंद आई कि NECC ने अपनी यह टैगलाइन कभी नहीं बदली। दरअसल NECC का विज्ञापन की इस टैगलाइन के पीछे का मकसद यह भी था कि लोग अपने रोज के खाने में अंडे को शामिल करें। इस टैगलाइन की खूबी यही है कि बड़ी ही आसानी से बच्चों को भी याद हो जाती है। पुराने पसंदीदा विज्ञापनों में सन ड्रॉप सनफ्लावर ऑयल का विज्ञापन भी काफी मशहूर विज्ञापन है जो बच्चों को बहुत पसंद आता था। विज्ञापन एजेंसी FCB उल्का द्वारा साल 1989 में बनाए गए इस विज्ञापन में एक बच्चे को खाने से भरी गाड़ी के साथ दिखाया गया था। इस विज्ञापन को उस दौर में देखना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि उसे टेक्निकली भी बहुत अलग अंदाज में दिखाया गया था। विज्ञापन में एक छोटा सा बच्चा अपने से कई गुना बड़ी पूरियों के आसपास खेलते कूदते नजर आता था जो बच्चों के लिए एक सपने जैसा ही फील कराता था। विज्ञापन में नजर आए उस बच्चे का नाम है रोशन शाह। आज रोशन की उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और उन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा विज्ञापनों में काम किया है। विज्ञापनों के साथ साथ रोहन बतौर एक्टर फिल्म हैक्ड में भी काम कर चुके हैं। बात खाने से रिलेटेड विज्ञापन की हो तो भला धारा की मशहूर जलेबी वाला विज्ञापन भला कैसे भुलाया जा सकता है। यह एक ऐसा विज्ञापन था जो हर किसी का पसंदीदा विज्ञापन है और आज भी लोग इस विज्ञापन को देखते और शेयर करते हैं। इस विज्ञापन में मासूम बच्चे का जलेबी कहने का अंदाज दिल को छू जाता है। जलेबी
विज्ञापन में एक छोटा सा बच्चा घर से नाराज होकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसे खोजते हुए रामू काका आते हैं और जलेबी का लालच देकर साइकिल पर बिठाकर घर वापस ले जाते हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि रामू काका बने बुजुर्ग एक्टर लेजेंडरी सदाबहार एक्टर अशोक कुमार जी के छोटे भाई अनूप कुमार जी थे। यहां आपको बता दें कि अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार सगे भाई थे, जो चलती का नाम गाड़ी जैसी कुछ फिल्मों में एक साथ काम भी कर चुके हैं। इस विज्ञापन में मासूम छोटे बच्चे की भूमिका में नजर आए थे एक्टर परजान दस्तूर, जो बाद में कई फिल्मों और टीवी शो में नजर आए थे। करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता हमें परजान द्वारा निभाए सरदार बच्चे का मासूम कम बोलने वाला किरदार पल कौन भूल पाएगा। धारक इस विज्ञापन में जलेबी बोलकर सबका दिल जीतने वाले एक्टर परजान दस्तूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस विज्ञापन की बहुत हल्की यादें हैं। तब मैं 4 साल का था। मुझे याद है कि मैं स्कूल से सीधे सेट पर पहुंचता था और भूखा होता था। वो लोग खाने में मुझे जलेबी ही देते थे। चूंकि जलेबी मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए उस विज्ञापन में जलेबी पर जो मेरा रिएक्शन है वो असली है। लोग अभी भी उस विज्ञापन के लिए मुझे याद करते हैं। परजान दस्तूर की उम्र करीब 30 साल से ऊपर की हो चुकी है और उनकी शादी भी हो चुकी है। बेशक इन मशहूर विज्ञापनों के बच्चे बतौर एक्टर बड़े होने पर कामयाब ना हो सके, लेकिन उसी दौर में बच्चों का एक और विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ था और उसमें नजर आने वाले बच्चों ने बड़े होकर अपनी पहचान भी बनाई। उनमें से तो एक बॉलीवुड का बड़ा नाम है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो विज्ञापन का नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि हम किन एक्टर्स की बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कम्प्लान के विज्ञापन का। जी हाँ, आपने ठीक समझा। इस विज्ञापन में शाहिद कपूर, आयशा टाकिया नजर आए थे। तब उनकी उम्र महज 15 साल की थी। चैत एडवर्टाइजिंग, जो लियो बर्नेट विज्ञापन एजेंसी के नाम से जानी जाती है, उनके द्वारा बनाए गए इस विज्ञापन की पंच लाइन बच्चों को खूब पसंद आई। कम्प्लान पीकर शाहिद का यह कहना, आई एम कम्प्लान बॉय, और ऐसा का शाहिद को कोहनी मारते हुए कहना, आई एम कम्प्लान गर्ल को सुनकर हर बच्चा कम्प्लान पीने की जिद करने लगता था। बड़े होकर शाहिद और आयशा एक साथ फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों, ना तो यादों का ही कोई अंत है, ना ही उनसे जुड़ी बातों का, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर रोक रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप कमेंट्स के जरिए भी आप अपने दिल की बात लिखेंगे कि आपके बचपन में आपका पसंदीदा विज्ञापन कौन सा था और आपको यह वीडियो कैसी लगी वगैरह वगैरह। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसके अगले भाग भी हम लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।